पार्टी द्वारा रमई घरकुल योजना के सभी लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए आज संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला गया है। इस दौरान शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, भाजपा नेता धर्मपाल मेश्राम, पार्टी के सभी विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान चौक से भव्य मोर्चा निकाला गया। सभी लाभार्थियों को रमई घरकुल योजना का लाभ मिले इसलिए बीजेपी द्वारा संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। शहर के सभी स्लम परिसर के निवासियों को जल्द से जल्द माल की हक के पट्टे दिए जाए इस मांग के साथ जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। इस दरमियान भाजपा नेता धर्मपाल मेश्राम द्वारा कहा गया कि दिवाली से पहले रमई घरकुल योजना के लाभार्थियों को घरकुल योजना का अनुदान पिछले 2 सालों से नहीं दिया गया, जो जल्द से जल्द दिया जाए। रमाई आवास योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना मागील 2 वर्षांपासून रखडलेलं 40 करोड रुपयाचं अनुदान आम्ही महानगरपालिका म्हणून सातत्याने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांना सातत्याने पत्रव्यवहार करतो आहे, परंतु अजूनही मागच्या 2 वर्षापासून 40 करोड रुपयाचं रखडलेलं अनुदान देण्यापासून हे सरकार मागे हटलेलं आहे। आमचा सर्वसामान्य अनुसूचित जाती वर्गाचा दलित शोषित गरीब माणूस, झोपडपट्ट्यात राहिलेला माणूस आज उन्हात आणि पावसामध्ये पडलेला, खितपत पडलेला आहे। परंतु हे सरकार, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातलं सरकार, कथितपणाचं धर्मनिरपेक्षतावादी सरकार, कथित आंबेडकरवी असलेले नितीन राऊत आमच्या समस्यांकडे, आमच्या मागण्यांकडे, आमच्या समाजाच्या लोकांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करतात आणि हेच त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आजचा हा भारतीय जनता पक्षाचा मोर्चा संविधान चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात येत आहे। शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके द्वारा मोर्चा के दौरान कहा गया कि रमई घरकुल योजना के लाभार्थियों को जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रमई आवास योजना के जो लाभार्थी है, शहर में 2,500-3,000 लोग है, गए 2 साल से उनका 1 रुपया भी आया नहीं। सरकार माननीय देवेंद्र जी की जब सरकार थी, पूरे 5 साल ये निधि आया और हमारे महानगर पालिका ने माननीय दयाशंकर जी होंगे, संदीप जी होंगे, जिसका अर्थ होंगे, इनके नेतृत्व में बराबर इसका वाटअप किया। 2 साल से गरीबों का ये अनुदान मिल ही नहीं रहा, वो धूप में है, बारिश में है, ठंडी में है। ये सरकार इतना निर्लज्ज है कि सभी चीज़ों के लिए पैसे लेकिन गरीबों के लिए पैसे नहीं। ये नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए मोर्चा है और इसके बाद भी अभी न्याय नहीं मिला तो इन गरीबों के लिए कानून हाथ में लेने होगा तो भी हम लेंगे, लेकिन आखिर तक ये मांग पूरी होने तक हम इन गरीबों के साथ रहेंगे। इसीलिए ये मोर्चा है और ये मोर्चा का नेतृत्व माननीय महापौर जी, धर्मपाल जी, हमारे सारे पदाधिकारी कर रहे हैं और शांति से हम कलेक्टर ऑफिस पर जाएं। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 सालों से रमई घरकुल योजना के लाभार्थियों को अनुदान नहीं दिया गया, साथ ही किसी भी तरह की प्रक्रिया झोपड़पट्टी वासियों के मालिक हक के पट्टे देने के लिए नहीं की गई और इसी कारण आज बीजेपी द्वारा भव्य मोर्चा निकाला गया। शासनाने नागपूर शहरातील झोपडपट्टीच्या नागरिकांचा कुठलाही विचार केलेला नाही आहे। 2 वर्षात नागपूर शहरातील झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या मालकी हक्काचे पट्टे वाटपसाठी एकही प्रक्रिया 2 वर्षांपासून झालेली नाही आहे। नजूलची असो किंवा ती प्रायव्हेट लँड असो किंवा ती झुडपी जंगलची असो, या कोणत्याही विषयावर ह्या महाराष्ट्र सरकारने झोपडपट्टीच्या ना प्लेट टेबल सर्वे केलेला आहे, ना कोणत्याही प्रकारची चौकशी केलेली आहे। महाराष्ट्र शासन जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांचं होतं तेव्हा त्यांनी GR आणला होता की खाजगी जी जागा आहे त्या खाजगी जागेचं पट्टे वाटप करता येईल असा GR निघालेला होता, पण त्या GR या शासनाने हातही लावला नाही आणि या शासनाने, महाराष्ट्राच्या सरकारने, या बिघाडी सरकारने नागपुरातील कोणत्याही झोपडपट्टीत पट्टे वाटपची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही आहे। त्याचा निषेध म्हणून, त्यांचा विरोध म्हणून आज झोपडपट्टी मोर्चाच्या माध्यमातून इथे शेकडो नागरिक जमा झालेले आहेत। नमस्कार, मैं सुनील निरनवार, प्रभाग 15 से नगरसेवक हूँ। मरियम नगर, वसंत रोड, काचीपुरा की अनेक समस्या थी जिनके पट्टे वाटप का प्लेन टेबल सर्विस से उनका सर्वे हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनको पट्टे वाटप नहीं करने के कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागपुर शहर के सभी स्लम एरिया के लोगों को सरकार के निधन खिलाफ में और लोगों को पट्टे वाटप होना चाहिए, मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मोर्चा हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला गया और सभी जनता नागरिक सहभागी है, ये आपके सामने परिदृश्य है।
भाजपा द्वारा आज राज्य सरकार के विरोध में भव्य मोर्चा निकाला गया और रमई घर कुल योजना के लाभार्थियों को न्याय देने की मांग की गई। अब देखना ये होगा कि इस भव्य मोर्चा निकालने के बाद रमई घर कुल योजना के लाभार्थियों को न्याय मिलेगा या नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।